टाइगर 3 का ट्रेलर आ गया है। इससे पहले टाइगर 3 का मैसेज रिलीज हुआ था। वहां टाइगर सवाल पूछता है कि उसके बेटे को देश बताएगा कि पिता गद्दार था या नहीं। ट्रेलर में वो दुश्मन भी रिवील कर दिया, जिसकी वजह से टाइगर की ऐसी हालत हुई है। हीरो तभी अच्छा है जब उसके सामने उससे ज्यादा मजबूत विलन हो। मिसाल के लिए सैम रेमी वाली स्पाइडरमैन याद कीजिए। ग्रीन गोब्लिन किसी भी पॉइंट पर स्पाइडरमैन को आगे नहीं जाने देता, उसकी हर कमजोर नस को कुचलता है। एक सीन है जहां वो स्पाइडरमैन के सामने उसकी प्रेमिका और दूसरी तरफ कुछ आम लोगों के बीच चुनने को कहता है। स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन अपना हीरो दोनों को बचा लेता है। टाइगर 3 में सलमान खान के कैरेक्टर के सामने भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। देश और फैमिली में से किसी एक को बचाओ, ये सिचुएशन विलन बने इमरान हाशमी की वजह से आई है। शायद वो एक पाकिस्तानी एजेंट है। एक जगह वो बताता है कि टाइगर की वजह से उसका परिवार खत्म हो गया। पठान और टाइगर 3 की सही बात यह है कि उनके विलन के पास लड़ने के लिए मोटिव था, वो बस ऐसे ही दुनिया फतेह करने नहीं निकल पड़े थे। मुझे नहीं लगता कि इमरान हाशमी सलमान के सामने नहीं टिकेंगे वाला तर्क सही बैठेगा। इमरान भले ही टॉप एक्शन स्टार नहीं, लेकिन उनके पास इमोशनल रेंज है। परिवार को खोने का दुख वो सलमान से बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। मेकर्स ने इमरान को सीक्रेट रखा हुआ था। ट्रेलर के भी एंड में जाकर उनका चेहरा दिखाया जाता है। उनके और सलमान के अलावा सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है कटरीना कैफ को। वो एक्शन करते हुए नजर आती है। स्पा या सोना किस्म की सेटिंग में उनका एक एक्शन है जिसे 10-12 अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया जा चुका है। टाइगर 3 ठीक फिल्म लग रही है, मतलब मेकर्स उम्मीदों पर तो खरे उतरे ही हैं। ये भी मुमकिन है कि एक्शन फिल्मों से हमारी उम्मीदें ही कम हो चुकी हैं। बहरहाल टाइगर 3 12 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मेकर्स ने अब तक बनाया हुआ था कि फिल्म दिवाली पर आएगी, उस हिसाब से छुट्टियों का तिकड़म बैठाया जा रहा था, लेकिन अब सारा गणित जीरो हो चुका है। टाइगर 3 में सलमान खान, कटरीना कैफ और इमरान हाशमी के अलावा शाहरुख खान भी होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के प्रमोशन से उन्हें दूर रखा जाएगा, वो सिर्फ टाइगर को बचाने पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।